हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। आरओ एआरओ से संबंधित अभी तक हम दो वीडियो बना चुके हैं। 2022 का जो एग्जाम होने वाला है, इसमें हमने देखा है पहले वाले वीडियो में प्री के सिलेबस को और एग्जाम पैटर्न को। दूसरा जो वीडियो बनाया गया था वो मेंस को लेकर बनाया गया था, यानी कि उसके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को। अब जो ये वीडियो है वो बनाया गया है जिसमें हमने सभी टॉपिक्स को कवर किया है, जैसे करंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री, उसके बाद ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रश्न, यानी कि किस टॉपिक से अभी तक, यानी कि 2016 जो री एग्जाम हुआ था 2020 में, उसमें 2021 में प्री में किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए थे और फिर मेंस में किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए थे, इस पूरे एनालिसिस को हम लेकर आए हैं, जिससे आपको समझने में आसानी हो कि हमें किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना है। हालांकि हमें सभी टॉपिक्स पर बराबर फोकस करना है, लेकिन इससे हमें एक पैटर्न पता चलता है कि हम किस पर ज्यादा फोकस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सब इधर सब्जेक्ट लिखा गया है, इधर 2020 वाला एग्जाम है प्री, 2021 प्री, 2016 या 20 मेंस और 2021 मेंस। अब देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में 2020 में 26 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2021 में प्रश्नों की संख्या कम हो गई, 20 क्वेश्चन पूछे गए। अभी हम सिर्फ प्री को लेते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स 2020 में 26 थे, 2021 में 20 हो गए। उसके बाद आते हैं भारतीय इतिहास पर, इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में 2020 में प्री में 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें एंशियंट हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं था, मिडिवल हिस्ट्री के 8 क्वेश्चन थे और मॉडर्न हिस्ट्री के 12 क्वेश्चन थे, मॉडर्न हिस्ट्री के 12 क्वेश्चन थे। वहीं पर जब हम 21 में प्री में आते हैं तो वहां पर भी हमसे 20 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें एंशियंट हिस्ट्री के 3 क्वेश्चन हमसे पूछे गए, मिडिवल हिस्ट्री के 4 क्वेश्चन पूछे गए और मॉडर्न हिस्ट्री के 13 क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद विश्व भूगोल और भारत का भूगोल, सबसे पहले प्री देखते हैं 2020 में, जिसमें 17 क्वेश्चन पूछे गए भूगोल के, जिसमें विश्व भूगोल के 5 क्वेश्चन पूछे गए और भारत के भूगोल के 12 क्वेश्चन पूछे गए। वहीं 2021 प्री में भूगोल के 15 टोटल क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें विश्व भूगोल के 8 क्वेश्चन पूछे गए और इंडियन ज्योग्राफी के 7 क्वेश्चन पूछे गए। अगर आपको देखने में भी समस्या हो रही है तो मेरे द्वारा बताया जा रहा है, आप सुनते जाइए। उसके बाद उत्तर प्रदेश, अगर यूपी का एग्जाम है तो उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न तो होंगे ही, तो उत्तर प्रदेश विशेष, जिसमें समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स और जो पुराना इतिहास होता है उसको मिलाकर टोटल 2020 में 16 क्वेश्चन पूछे गए, 2021 में 18 क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद रीजनिंग आ जाइए, रीजनिंग में 2020 में 14 क्वेश्चन पूछे गए और 2021 में 12 क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद हम आते हैं विज्ञान में, विज्ञान में 9 क्वेश्चन पूछे गए टोटल प्री में 2020 में, जिसमें भौतिकी में 3, रसायन में 2 और बायो में 4 क्वेश्चन पूछे गए। वहीं 2021 में भी 9 क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन यहां पर फिजिक्स के 4 क्वेश्चन पूछे गए, रसायन का 1 क्वेश्चन पूछा गया और जीव विज्ञान के 4 क्वेश्चन पूछे गए। अब हम आते हैं इकोनॉमी पर, यानी अर्थशास्त्र पे। अर्थशास्त्र में 2020 में 8 क्वेश्चन पूछे गए और 2021 में प्री में 9 क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद राज्य व्यवस्था, पॉलिटी, पॉलिटी पर आते हैं, जिसमें 2020 में 8 क्वेश्चन पूछे गए और 2021 में 7 क्वेश्चन पूछे गए। आप ये देखेंगे कहीं ना कहीं एक नंबर या दो नंबर इन्हीं का हेरफेर चल रहा है। उसके बाद एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण से 7 क्वेश्चन पूछे गए और 2020 में और 2021 में 9 क्वेश्चन पूछे गए पर्यावरण से। उसके बाद आते हैं हम कृषि पर, कृषि में 2020 प्री में आरओ एआरओ के 5 क्वेश्चन पूछे गए, वहीं 2021 में बहुत ज्यादा यानी कि 4 क्वेश्चन और बढ़ गए, टोटल 9 क्वेश्चन पूछे गए।
उसके बाद जनगणना, चाहे वो यूपी की हो या फिर पूरे भारत की हो। 2020 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, वहीं 2021 में इसके 5 क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद मिसलेनियस में 5 क्वेश्चन पूछे गए 2020 में, और मिसलेनियस के 4 क्वेश्चन पूछे गए 2021 में, सिर्फ एक क्वेश्चन का अंतर पड़ा। उसके बाद कला और संस्कृति में 2 क्वेश्चन 2020 में प्री में, और 2021 में 3 क्वेश्चन पूछे गए। इस तरीके से टोटल आपके हो गए 140। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था मेंस में कि सिलेबस सेम रहता है, प्री और मेंस का जो सामान्य अध्ययन का सिलेबस होता है वो सेम रहता है, सिर्फ प्रश्नों की संख्या बदलती है। जैसे प्री में 140 होते हैं और मेंस में 120 हो जाते हैं, तो वहीं पर अब हम देखते हैं कि मेंस में क्या रहा। मेंस में करंट अफेयर्स 2016 में 22 क्वेश्चन पूछे गए करंट अफेयर्स के 22 क्वेश्चन पूछे गए, वहीं 2021 मेंस में 21 क्वेश्चन पूछे गए करंट अफेयर्स के। अब आ जाते हैं भारतीय इतिहास पर। भारतीय इतिहास के मेंस में 12 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें 5 एंशियंट हिस्ट्री, 4 मिडिवल हिस्ट्री और 3 मॉडर्न हिस्ट्री। वहीं 2021 का जो मेंस अभी मई में हुआ था उसमें 15 क्वेश्चन पूछे गए टोटल हिस्ट्री के, जिसमें 4 एंशियंट, 5 मिडिवल और 6 मॉडर्न हिस्ट्री पूछी गई। उसके बाद हम आ जाते हैं ज्योग्राफी पर। ज्योग्राफी में 15 क्वेश्चन पूछे गए मेंस में 2020 में, उसमें 15 में वर्ल्ड ज्योग्राफी के 6 क्वेश्चन और इंडियन ज्योग्राफी के 9 क्वेश्चन पूछे गए। वहीं मेंस में 2021 में भी 15 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें 11 क्वेश्चन हो गए वर्ल्ड हिस्ट्री के। यहां प्री में भी वर्ल्ड हिस्ट्री को ज्यादा तवज्जो दी गई थी 2021 में, और मेंस में दिया गया 4 क्वेश्चन सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी को, 15 में से 4 क्वेश्चन, सिर्फ 4 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी के थे। अब आ जाइए उत्तर प्रदेश विशेष। उत्तर प्रदेश विशेष यानी कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मेंस में पूछे गए थे 2020 में मात्र 9 क्वेश्चन, और वही 2021 में बहुत बड़ा जंप लगाया, उत्तर प्रदेश को बहुत ज्यादा वेटेज दिया गया और यहां क्वेश्चन पूछे गए टोटल 16 क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद रीजनिंग में 2020 के मेंस में 16 क्वेश्चन पूछे गए, और 2010 में 6 क्वेश्चन सीधे कम हो गए और 10 क्वेश्चन पूछे गए 2021 में। अब आ जाइए साइंस में टोटल 13 क्वेश्चन पूछे गए मेंस में 2016 में, जिसमें 5 क्वेश्चन फिजिक्स, 3 क्वेश्चन केमिस्ट्री और 5 क्वेश्चन बायो के। वहीं पर मेंस 2021 जो अभी मई में हुआ उसमें भी साइंस के 12 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें 1 क्वेश्चन फिजिक्स का रहा, 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, और बायो के देखिए कितने क्वेश्चन पूछे गए, 9 क्वेश्चन। इसलिए हर पोर्शन को आपको कवर करना पड़ेगा, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये आप नहीं बता सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं अर्थशास्त्र पर। अर्थशास्त्र में मेंस में 6 क्वेश्चन पूछे गए और अभी 2021 में 5 क्वेश्चन पूछे गए, मात्र 5 क्वेश्चन। पॉलिटी में 6 क्वेश्चन पूछे गए और आपकी 2021 के मेंस में 9 क्वेश्चन पूछे गए, अच्छे खासे, यानी 9 क्वेश्चन अच्छा खासा माना जाता है। उसके बाद हम आते हैं पर्यावरण एनवायरमेंट में। एनवायरमेंट के 3 क्वेश्चन मात्र पूछे गए थे 2020 में मेंस में आरओ के, एआरओ के, और वहीं 2021 में हाई जंप लगाया, 6 क्वेश्चन इसमें ऐड किए गए, टोटल 9 क्वेश्चन एनवायरमेंट से यानी कि पर्यावरण से पूछे गए। उसके बाद हम आते हैं कृषि पर। कृषि के 5 क्वेश्चन पूछे गए 2020 के मेंस में और 2021 के मेंस में 4 क्वेश्चन पूछे गए। जनगणना में 2020 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और 2021 में जनगणना का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन प्री में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद आते हैं मिसलेनियस पर। मिसलेनियस में 2-2 क्वेश्चन पूछे गए दोनों बार मेंस में 2020 और 21 में। वहीं कला और संस्कृति पर आते हैं तो 2020 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था और 2021 में 2 क्वेश्चन पूछे गए। इस तरीके से ये टोटल 120 क्वेश्चन हो गए। अब आप देखिए, आपके सामने एक ये टेबल है जिसे आपको स्क्रीनशॉट लेकर रखना चाहिए ताकि आपको पता चले कि करंट अफेयर्स का वेटेज कितना है। अगर आप करंट अफेयर्स तैयार करते हैं तो आप 20 से 25 नंबर आसानी से ला सकते हैं। देखिए 26 क्वेश्चन पूछे गए,
20 क्वेश्चन पूछे गए, 22 क्वेश्चन पूछे गए, 21 क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि जिसने 2021 की तैयारी करंट अफेयर्स के साथ की होगी तो 20 और 21 क्वेश्चन, 140 में 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के मिले और 120 में 21 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के मिले। अगर आपने इसमें से 20 भी सही कर दिए होंगे तो 120 में 20 नंबर आपके 100% पक्के हो जाते हैं। और करंट अफेयर्स सभी मैगजीन में, सभी यूट्यूब वीडियो में, सभी कोचिंग्स में समान होते हैं। चलिए अब भारतीय इतिहास के 15 क्वेश्चन पूछे गए, ज्योग्राफी के 15 क्वेश्चन पूछे गए, ये ऐसे टॉपिक हैं या विज्ञान के ऐसे टॉपिक हैं जिनके अच्छे खासे नंबर आपको मिल सकते हैं। रीजनिंग में हालांकि थोड़ा वेटेज कम रहा, 10 क्वेश्चन ही पूछे गए पिछले विगत वर्षों के मुकाबले, लेकिन आपको अर्थशास्त्र, राज्य व्यवस्था, इन सब पर बहुत महत्वपूर्ण फोकस देना होगा। अगर आप इन सब टॉपिक को विषयवार बहुत ध्यान से और इत्मीनान से कवर करेंगे तो ही आप मेंस क्वालिफाई कर पाएंगे। 120 नंबर में आपको कम से कम 100 से 105 नंबर तक लाने ही होंगे, तभी आप आरओ या एआरओ का पद हासिल कर पाएंगे। इन सभी टॉपिक्स को इस चैनल पर विस्तार से कवर कराया जाएगा, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। बस ये आप ध्यान रखिए कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में पैटर्न चल क्या रहा है। इसलिए कहा जाता है कि विगत वर्षों के प्रश्नों का अध्ययन करिए, क्योंकि क्या होता है कि कम से कम 10 से 15% क्वेश्चन या 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि पिछले 10 वर्षों का आप सभी क्वेश्चन पेपर का एकदम गहनता से अध्ययन करिए। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो से संबंधित अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर आपको ये वीडियो में और कोई सुधार चाहिए और किस तरीके की क्लासेस चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।